ज्ञान विजर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजमल। आज सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम का प्रयोग भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन ईमानदार है। यहाँ पर मोहन शब्द दो बार इस्तेमाल किया गया है, इससे भाषा की सुंदरता खराब हो जाती है। इसी को अगर बोला जाए, मोहन अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, यहाँ पर दूसरे वाक्य में मोहन की जगह वह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इससे भाषा की सुंदरता बढ़ गई। यहाँ पर दूसरे वाक्य में वह शब्द जो मोहन के लिए इस्तेमाल किया गया है, वह सर्वनाम कहलाता है। यदि सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। पिछले उदाहरण में दूसरे वाक्य में मोहन की जगह वह शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यह वह सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाले के लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने लिए इस्तेमाल किया। तुम खेल रहे हो, यहाँ पर जिससे मैं बात कर रहा हूँ तुम वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया गया। वह खेल रहा है, जो खेल अन्य व्यक्ति के लिए वह शब्द का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर मैं तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको उत्तम वाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये शब्द इस्तेमाल होंगे, जैसे मैं खेल रहा हूँ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम श्रोता जिससे बात की जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको मध्यम वाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर तुम, तुम्हारा, आप और आपने इत्यादि सर्वनाम आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम यूज करते हैं उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर वह, उसने, उन्होंने, ये सब इस्तेमाल होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह मेरा भाई है, यहाँ पर यह वर्ड निश्चितता जो दिखाता है। वह तुम्हारा मित्र है, यहाँ पर वह एक निश्चितता दिखाता है कि जिसको हम लोग वह बोल रहे हैं वो फिक्स है, वही उसका मित्र है। यहाँ पर यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैदान में कोई खेल रहा है, मैदान में कौन खेल रहा है यह यहाँ पर निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कोई शब्द यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में आए हुए दूसरे सर्वनाम से संबंध को बोध करता है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो पढ़ेगा वही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। उत्तीर्ण होना मीन्स पास होना। यहाँ पर जो पढ़ेगा वही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, यहाँ पर जो और वही दोनों में संबंध है।
हर कोई पास नहीं होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो यहाँ पर जो और वही एक दूसरे से संबंध बताते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, वहाँ कौन खड़ा है, यह एक प्रश्न पूछा गया, तो कौन शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध करते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब ही होता है अपनापन। उदाहरण के लिए, वह अपना काम स्वयं करेगा, स्वयं मीन्स खुद, यहाँ पर स्वयं शब्द अपनापन को बोध कर रहा है, इसीलिए स्वयं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हुआ। ये था सर्वनाम और उसके भेद के बारे में विस्तार से जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे आप लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।